नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली विधानसभा क्षेत्र का गांव है खुडन। एक खुडन आपने सुना भी होगा कि हमारे ओलंपियन पहलवान हैं बजरंग पुनिया, उनका पैतृक गांव है खुडन, जो कि यहीं से बजरंग पुनिया छोटे से कद से निकलते हुए पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है कुश्ती को लेकर। उन्हीं के गांव में मैं मौजूद हूं और आज हम 73वां गणतंत्र दिवस से जो कोरोना की तीसरी लहर के बीच बड़ी सावधानियों के साथ मना रहे हैं। आज यहां आने का मेरा विषय है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आश्रित देश है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो खेत में गेहूँ की फसल है वो एक तरह से बिल्कुल ख़राब भी हो गई है। आप देख पा रहे हैं जो ये जो पीलापन है, पौध होती हैं जो हमारे गेहूँ की, वो पीलापन आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब वो अन्न नहीं निकाल पाएगा। इसे नुकसान आप देख रहे हैं, ये ओलंपियन बजरंग पुनिया का गांव है, आप इस तरफ देख सकते हैं, ये एक समस्या है पानी की। हजारों एकड़ ज़मीन बिल्कुल तहस नहस हो गई है। ज़मींदार का एक जरिया यही होता है कि वो पूरा साल आस लगाए बैठा रहता है कि फसल होगी, अन्न होगा, मंडी में जाएगा, पैसे आएंगे, फिर जो घर के काम होते हैं, बच्चों की फीस होती है, वहीं से पे होती है। और यहीं आके अगर किसान का नुकसान हो जाता है तो एक आस ही ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पानी देख सकते हैं, बिल्कुल धान की तरह गेहूँ के अंदर पानी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है फसल। और सरकार का जो हाल है, मैं किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूँगा। पीछे भी आप देख पा रहे हैं कि रास्ता नहीं है, किसी तरह भी हम निकल नहीं पाएंगे। अब मेरे साथ यहाँ पे किसान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले बातचीत करूँगा, और मेरे साथ की युवा साथी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये कब से समस्या है ये? भाई हमें एक महीना हो लिया पानी की। हर फसल पानी खत्म हुआ नहीं हुआ है, जब तक बारिश शुरू हुई समाज से तो पानी भरा है, पानी में बोए थे, पानी में ही हाल हो रहा है। अब ये तो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई तो कम से कम 1000 किलो कम तम हो गया, हजार अनुमान लगाएं तो लाखों टन, कम से कम, कम से कम ये गांव चारों तरफ कितने घूम जाओ चारों तरफ पानी पानी है, सारा काम खराब हो जाएगा, तो गेहूं नाश हो जाएगा। तो देख लो, इसका कोई कभी अपील की हो या पानी की निकासी हो जाए, सब कुछ कर ली, ये वजह क्या है? बारिश का पानी क्या है ये? बारिश पानी चौहा ऊपर आ रहा है, पानी निकलता नहीं। चौहा किस तरह से ऊपर आया? पानी बारिश हो जाती है, पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर निकल रहा है। पहले यहाँ कोई धान वगैरह ज्यादा लगा जाते थे या कुछ पहले ही? ना पहले गांव में पानी भी आता है ना, निकासी है नहीं। अच्छा, निकासी हाल हो जाएगी जी। ले जी 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 बताइए, खेती खराब। अच्छा, कितना एकड़ आपने गेहूं लगाया यहाँ पे बोया? दस्या हाँ दस्या बोरी है। कितने किले बो रखे हैं? कितने बताओ अगर आपने, कितने किले बो रहे हैं? कुल कितने किले बो रहे हैं? 1 किलो बो रहे हैं बताइए जी। हमारे किले हैं 4 जी, और एक भी दाना नहीं हो उसमें जी। हमने बताओ आगे लिए क्या करेंगे जी। और कोई फसल का अभी? हाँ, फसल सारी डूबी हुई है अड़े की तरह। और कोई फसल नहीं लगा सकते? नहीं, और फसल नहीं लगा सकते। इसमें किमें लगाएगी? इसमें फसल क्या लगाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, मौजूदा सरकार में प्रदेश अध्यक्ष है, कभी उनसे बातचीत हुई है कि इस तरह की यहाँ समस्या कोई निदान? हमने तो उससे यह बात की, हमारे यहाँ पानी लकड़िया जाए, पानी काट दो हमारा अड्डे का, अरे ये गेहूँ खराब हो गए देख ले सब। ये भी पानी का फेर करो नहीं का, ये पानी आके मैं समाधान बटवा दिए। मौजूदा विधायक का कैसा रिस्पॉन्स है? वो तो है कांग्रेस का है जी, फिर कांग्रेस का तो काम नहीं करेगा वो, ना हुआ देख क्यों नहीं आएगा? जहाँ से वोट है, वोट जाती तो आएगा। वो तो न्यू पैस है भाई, मेरी सरकार को लेकर क्या कर सकते हो? सरकार ने तो इस्तीफा दे दो ना, देना इस्तीफा तो फिर भी बोझ ना भरी जा। फिर अगर ऊपर सरकार नहीं है, विधायक की सीट आपने ले ली है, काम करोगे नहीं तो जनता कहाँ जाएगी? कभी पूछो हमसे, जनता कुएं पड़ोर की जाएगी
जब हमने कह लिया गाड़ी रुकवा के भी कही थी थे फिर लड़ाई लड़ेंगे रास्ता बनवाएंगे निकासी करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ये कही उस नोर के कह दो फिर उसके बाद कुछ उसके बाद कुछ ना आया आगे चुनाव है कभी फिर वोट मांगने राजा का बंद करें जी कटेगी नहीं लाई आप बताओ भाई मैं कुडन से पर्सन बोल रहा हूँ और 3 साल हो लिए जमींदार जो खत्म हो रहा है जी। ये देख लो विधायक का कोई मुआवजा नहीं आया। हमारे खट्टर साहब आए थे हमारे गांव में खट्टर साहब आए उस टाइम पर खट्टर साहब ने और धनखड़ साहब ने ये कही थी अगली कोई गद्दार बुला के और इस गांव का अच्छा मुआवजा करवाओ इस गाँवों का जी। और खट्टर जो मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारे गाँव हमारे जो मुख्यमंत्री आया हमारे गाँव में बजरंग पूनिया के उसमें और धनखड़ साहब ने इस चीज का ज्यादा कहते हुए भी जी। उनका एक धनखड़ साहब की भी नहीं चली खट्टर साहब की भी नहीं चली तो नहीं बताओ कुलदीप तो आता ही नहीं। कुलदीप MLA है हमारे विधायक है, क्या करो है? विधायक बना दिया हमारा विधायक से कोई मतलब नहीं। हमने गांव से मतलब है हमारा गांव मर रहा है 3 साल से जमींदारा खत्म है तो विधायक जी करेंगे ना विधायक जी आता ही नहीं विधायक हमारे गांव में नहीं आता किसी काम में वोट मांगने आओ कौन देगा कोई नहीं देगा गांव से कुलदीप सब कोई नहीं देगा वोट हम तो कभी खुली कहा हां नहीं देगा ये देख लो अभी पीले की हूं है पिछले साल मतलब अभी भी हमारा बाजरा खत्म हो रहा है ठीक है दिखे हो जी सर का दिखाओ सुनो हमारे गांव में 250 किले तो इक्के खत्म है कुडन गांव में 250 किले इक्के खत्म होना 180 किले पूरे 180 किले बच रहे हैं। जब खट्टर मुख्यमंत्री एक ये बात कह देता है आगे भाई आर धनखड़ साहब है कोई छोटी चीज को ना मंत्री है मंत्री थे हैं जब उनकी नहीं चलती आगे तो है भाई साहब तो चलती है तो वे वो मुआवजा कहां पर गया आज तक तो आया नहीं है हैं। 2-4 बार गए हैं तो वो कहते हैं पटवारी रुवे एक हमारे गांव में ऐसा पटवारी लगा दिया भाई है वो पटवारी को मतलब है नहीं पटवारी ने गांव से किसानों ने जीत लिया किसानों ने पार्टी भी बना दी लेकिन ये तो मार रहे हैं ना जमींदार तो मर रहा है किसानों की पार्टी बन गई है हाँ पार्टी बन गई लेकिन ये क्या करे किसान हम खुद अपने ट्रैक्टरों से पानी निकाल रहे हैं 10 दिन हो लिए खुडन गांव में पूछ रहा हूँ हाँ जी किसानों की पार्टी बन गई है गुरु नाम चुड़ी बना हाँ अगर वहाँ से कैंडिडेट आता तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा कति बनाओ कति सोगा सो भाजपा कांग्रेस खत्म है हाँ खत्म कति खत्म और भी किसान मेरे साथ और कुछ कहना चाहेंगे ना मैं तो यही कह रहा हूँ मैं तो यही कहना चाहता हूँ ये खुडन गांव है खेड़ा छपार ये 5-7 गांव है जी। मैं रिक्वेस्ट है ऊपर भी जो मंत्री हैं खट्टर साहब से रिक्वेस्ट मेरी यही है आके हमें इस हमें ऐसे क्यों मारा जा रहा है खट्टर साहब ने ये कही थी अगर ऐसा करो मच्छी पाल लो मच्छियां कड़ा ले जा अब करवा दो मच्छी अभी मच्छियों हमारे सुझाव दिया था ये खट्टर साहब ने ये कहा गाँव में आके आगे ये खुडन गाँव में तालाब बनवा देंगे और मच्छी पाल लो तो मच्छी कहाँ पर मच्छी तो सारे खुडन गाँव में अच्छी मच्छी रहेंगी तो इंसान तो नहीं रहेगा कितने खाएंगे अरे कुलदीप बाबू ने क्यों खाएंगे मच्छी पालेंगे तो सारे खाएंगे खेत का तो सारा मच्छी खाएंगे तमाम किसान मेरे साथ थे कि एक और बात सामने निकल के आई कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आश्वासन दिया था कि बजरंग पुनिया के गांव में गेहूं की बजाय मच्छी पालन हो मच्छी पालन कर लो झूठ नहीं है इसमें जी झूठ नहीं है और भी तमाम किसानों ने अपनी राय रखी समस्याएं बताई हर गांव की समस्या को हम आप तक रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रशांत शर्मा के साथ भारती के प्लाड़ा की रिपोर्ट बादली विधानसभा क्षेत्र झज्जर 2000 रुपये न मिलने जिला।